हेलो फ्रेंड्स, स्किल लर्निंग में आज आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 8 कंपोजिट मैथ का चैप्टर नंबर 11 जो वर्क एंड टाइम है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। उसके मैंने चार पांच क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिए हैं। आज मैं 6 क्वेश्चन से शुरू करूंगी। प्लीज़ ध्यान लगा के पढ़िएगा अभी और मैं आपको बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगी। और प्लीज़ मेरी बातों को जो मैं कहती हूँ उन्हें सुनिएगा ताकि आपके दिमाग में वो बातें बैठ जाएं और आप अच्छे से उस चीज़ को समझ सकें। और आप एक बार समझने के बाद भूले ना, ये मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ते हैं। आपको कुछ ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, और सब्जेक्टों की तरह फुलाना दिखाना क्या क्या याद करना पड़ता है, बट इसमें आराम से अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं नॉर्मली हो जाती है। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 6 से। ये हमारा क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर एंड 4 आवर्स। तो जब ए और बी साथ में काम करते हैं तो वो किसी काम को 6 घंटे और 4 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पहले इतना देखिए, ए कितने घंटे में कंप्लीट करता है काम को? 6 घंटे में। ए कितने घंटे में कंप्लीट करता है? 6 घंटे में। और बी कितने घंटे में कंप्लीट करता है? 4 घंटे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ए कैन डू आ पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर। ठीक है, तो 6 घंटे में कंप्लीट करेगा तो इसका 1 घंटे का काम होगा, क्या होगा? 1 आवर वर्क ऑफ ए। ए का 1 घंटे का काम क्या होगा? 1/6। मैंने आपको कल ही बता दिया था अगर कोई आदमी किसी काम को 10 घंटे में करता है तो उसका 1 घंटे का काम कितना होगा? 1/10। बस 1/10 लगा के हमारा 1 घंटे का काम निकल आता है। और जिन लोगों ने मेरी जो मैंने कल वीडियो डालनी थी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, लास्ट वीडियो उसके पहले वाले क्वेश्चंस की, तो प्लीज़ वो वीडियोज़ देख लीजिएगा क्योंकि मैंने उसमें पूरा डिस्क्राइब करके बताया हुआ है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए का 1 घंटे का काम आ गया। अब बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, बी कितने टाइम पे काम कर पा रहा है? वो सारा काम 4 आवर में करता है, मतलब 4 घंटे में। ठीक है, तो 1 आवर वर्क उसका क्या हो, 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1-1 घंटे के हमारे पास काम आ गए। अब जब दोनों मिलके काम, इसमें बोला है ए एंड बी टुगेदर कैन, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, हमने दोनों का भी अलग अलग काम निकाला है, हमें 7 का काम निकालना है तब हम कुछ कर पाएंगे इस क्वेश्चन में आगे। इफ़ ए एंड बी टुगेदर डू इट देन, दोनों के 1 आवर वर्क ऐड कर दीजिए, ए का 1/6 था और बी का 1/4 था, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 6 24, 6 4 24, 4 आ गया, 4 6 24, 6 क्या आ गया हमारा? 10/24। इसे कट कर दीजिए, 2 से कट रहा है, 2 5 10, 2 12 24। तो इसका 1 आवर का वर्क क्या आ गया? ए और बी जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो उनका 1 आवर वर्क क्या आ गया? 5/12। ठीक है, अभी इनका सिर्फ 1 आवर वर्क निकला है ए और बी का। अब देखिए, हमें ए और बी का टोटल वर्क पता होना चाहिए ना, टोटल वर्क डन बाई ए एंड बी, जब दोनों साथ में काम करते हैं तो उनका टोटल वर्क कितना होगा? जब 1 आवर वर्क हमारा 5/12 है तो टोटल वर्क इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। 1 घंटे का काम हमारा 5/12 है तो टोटल जितना भी काम था 12/5 हो गया। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। वो आगे कह रहा है, आफ्टर द फर्स्ट हैज वर्क फॉर 2 आवर्स, जब पहले वाले ने 2 घंटे काम कर लिया। पहला वाला कौन है? ए है, उसका 1 घंटे का काम कितना है? 1/6। तो उसने 2 घंटे काम किया है अकेले, तो उसके 2 घंटे का काम क्या हो गया? इफ ए वर्क फॉर 2 आवर्स एलोन, सीधी सी बात है, दो जब 1 घंटे का काम 1/6 है, 2 घंटे का काम क्या होगा? 2/6, 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6, मतलब 1/3,
तो हमारा ए का 2 घंटे का काम आ गया, क्या आया हमारा 1/3। ए के 2 घंटे का काम क्या है हमारा 1/3। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो आगे, जब ए ने 2 घंटे काम कर लिया, ही वॉज जॉइंड बाई द अदर। जब ए ने 2 घंटे काम कर लिया तब आया बी काम करने के लिए। ठीक है, तो बी ने कितना काम किया, इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि बी ने कितना काम किया, इसमें ये पूछा जा रहा है, देखिए एक और बार पढ़ते हैं, ही जॉइंट बाई द अदर। जब ए ने 2 घंटे काम कर लिया तभी बी काम करने के लिए आ गया, मतलब ए और बी ने 2 घंटे बाद मिलकर काम किया, तो 2 घंटे में ए ने 1/3 काम तो अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 2 घंटे में ए ने अपना कितना काम कंप्लीट कर लिया था, 1/3। ठीक है, बट जब बी भी साथ में काम करने के लिए आ गया तो दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, और दोनों जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम कर पाते हैं, 12 आवर, मतलब 12 5 1 12। जब दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं ए और बी, तो वो 5 1 12 काम कर पाते हैं 1 घंटे में। तो टोटल काम कितने दिन में कितने टाइम पे कर लेंगे, 12/5 आवर में कर लेंगे। तो ए और बी का टोटल वर्क 12/5 है, मतलब टोटल टाइम इतना लेते हैं, लेकिन 1/3 काम हो चुका है। तो देखिए अब कितना काम रह गया, जब 1/3 काम ए ने कर लिया तो रेस्ट कितना रह गया, रेस्ट वर्क। टोटल वर्क हमेशा 1 मानते हैं, 1 माइनस 1/3, एलसीएम लिया 3 आ गया, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3। हमारे पास कितना काम रह गया, 2/3। अब व्हेन ए एंड बी टुगेदर डू इट, जब ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो ये 2/3 काम करने में कितना टाइम लगेगा। ए और बी को जब साथ में काम करते हैं टोटल काम करने में कितना टाइम लगता है, 12/5 आवर। तो 2/3 काम करने में क्या टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई विथ 12/5। ठीक है, 3 4 12 4 2 8/5, इतने आवर्स, या इसे डिवाइड देके निकाल लीजिएगा, 1 आवर